गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो क्लास सिक्स का जो हिंदी का चैप्टर है सेकंड बचपन, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और पूरी एक्सरसाइज हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए, पाठ से मालूम करके लिखो। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में अनेक बदलाव आए। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब हल्के रंग पहनने लगी है। ठीक है, पहले वे फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी। ठीक है, पहनावे के साथ खाने में भी काफ़ी बदलाव आए। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मिल गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। ठीक है, जो लेखिका थी वो बचपन में इतवार के की सुबह को क्या क्या काम करती थी, तो उसका उत्तर देखिए। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे व स्टॉकिंग को धोने और अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। ठीक है, क्या करती थी लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे व स्टॉकिंग को धोने और अपने जूते को पॉलिश करने का काम करती थी। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। ठीक है, ये कहकर लेखिका क्या क्या बताती है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए। ये कहकर लेखिका उनके और अभी के समय में अंतर स्पष्ट करती है। उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था, परंतु आज रेडियो और टेलीविज़न ने उसकी जगह ले ली। पहले की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई। ठीक है, कचौड़ी समोसों की जगह अब पेटीज ने ले ली। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान किसने ले लिया, कोक। ठीक है, आगे देखिए। कोक पेप्सी ने ले लिया। ठीक है, किसने ले लिया, कोक और पेप्सी ने ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्थ। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिए। लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया था, इसलिए वो कुछ अजीब सी लग रही थी। उन्हें खुद भी अटपटा सा लग रहा था, इस कारण उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे। ठीक है, लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया था, इसलिए वो कुछ अजीब सी लग रही थी। ठीक है, और उन्हें खुद भी अटपटा सा लग रहा था, इस कारण उनके चचेरे भाई क्या करते थे, उन्हें छेड़ते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखिए। जो लेखिका थी वो बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से जो प्रमुख फल हैं उनके आपको नाम भी लिखने हैं, तो आंसर देखिए। लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मज़ा लेकर खाती थी। ठीक है, क्या खाती थी लेखिका बचपन में, चॉकलेट और चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मज़ा लेकर खाती थी। ठीक है, रसभरी, कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। ठीक है, क्या उनके प्रिय फल थे, रसभरी, कसमल और काफल उनके जो थे वो क्या थे, प्रिय फल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, यह है भाषा की बात।
क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। ठीक है, तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। ठीक है, तो कुछ क्रियाओं से जो होती हैं क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे कि मारना हो गया तो मारने से मार बन गया, काटना से काट बन गया, हारना से हार बन गया, सीखने से सीख बन गया, ठीक है, पलटना से पलट बन गया और हड़पना से हड़प बन गया। तो आपको पांच जो हैं वो आपको लिखने हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए, क्रिया भाव, ये क्रिया है और ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, देखो, चमकना, तो क्या हो गया, चमकने का चमक, इससे क्या बन गया, चमक बन गया। ठीक है, ये क्रिया है चमकना और इससे भाववाचक संज्ञा क्या बन गई, चमक बन गई। ठीक है, भागना, भागने से क्या हो जाएगा, भाग, बदलना, ठीक है, बदलने से क्या हो गया, बदल, ठीक है, और खरीदना, खरीदने से क्या हो गया, खरीद, ओढ़ना से क्या हो गया, ठीक है,